महावीर भवन भासौड़ा में श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव महाराज साहब का प्रथम पावन स्मृति दिवस नेपाल गौरव प्रवचन भूषण महासाध्वी पूज्या ज्योति महाराज साहब आदि ठाड़ा तीन के पावन सानिध्य में त्याग तप साधना आराधना में तीन दिवसीय कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम गुरु गुणानुवाद सभा के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य महासाध्वी पूजा ज्योति महाराज साहब ने अपने प्रवचन के माध्यम से फरमाया कि पूज्य गुरुदेव का विराट व्यक्तित्व तो महान गुण से लबालब भरा था। गुरुदेव के हृदय की विशालतम में ना सिर्फ मेवाड़, ना सिर्फ श्रवण संघ, बल्कि सभी साधु साध्वी और मानव जगत के लिए प्यार, उदारता और आत्मीयता के भाव रहते थे। महासाध्वी ने पूज्य गुरुवर के कई विशेषताओं एवं संस्मरण को उजागर किया। इस अवसर पर संघ मंत्री मनोहर लाल पोखरना, उपाध्यक्ष बसंती लाल खरोदिया, संघ मंत्री रमेश चंडालिया, नरेंद्र कुमार खरोदिया, पत्रकार सुरेश आचार्य आदि ने गुरु के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जबकि हर्षिता चंडालिया एंड ग्रुप ने एक भक्ति डांस प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेपाल से पधारे पुष्कल बेलवासे रहे। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन दिलीप पोखरना ने किया। चित्तौड़गढ़ से नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। उनका मृत्यु तक का मतलब देवलोक गमन तक का पूरा संपूर्ण जीवन झांकी प्रस्तुत की गई एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से। उसके बाद प्रवचन का रूप दिया गया, जिसमें उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या करा, मेवाड़ में रह के उन्होंने कैसे धर्म प्रचार किया, 750 गाँव में उन्होंने कैसे धर्म मतलब उपदेश दिया, उपदेश देके जनता को जैन धर्म के प्रति आस्था और भावना को जगाया, बढ़ाया। और हमें यह उनकी पुण्यतिथि मनाने का या समृद्धि दिवस मनाने का हमारा तभी फायदा है जो कि हम उनके पदचिन्हों में चलें। गुरु ने हमें जो रास्ता बताया उस रास्ते में चलें। वो तो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, उनका जीवन महान था, वो एक दिव्य आत्मा थी, वो एक दिव्य शक्ति थी। और उन्होंने जो जो मतलब अपने धर्म में रह के, संयम में रह के, मर्यादा में रह के उन्होंने जो जो धर्म का विकास किया और जनता को उद्बोध दिया, उनका एक अद्भुत लाजवाब मतलब उनका देने का, उद्बोध देने का एक विशेष उद्देश्य था कि जनताओं के भीतर जागृति भरने का, जागृति लाने का उनके भीतर विशेष मतलब खास गुण थे। उन्होंने मेवाड़ में विचरण किया और पूरे भारतवर्ष में विचरण करके जन जन को जैन धर्म देकर और जैन धर्म को दिपाया। हमें ये जयंती मनाने का तभी फायदा है, हम उनके बताए हुए मार्ग में हम चल रहे हैं और उन्होंने जो हमें संदेश दिया वो संदेश को हम अपनाएं, हम धारण करें तो हमारा ये मनाने का फायदा है। तो भासौड़ा में उन्होंने 4 चतुर्मास किए तो हमने भासौड़ा निवासियों को कहा कि गुरु ने तुम्हारे लिए कितना उपकार किया, तो आप लोग उनको क्या देते हो।